देखा अभी अभी आप यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ऐसा आप क्यों कर रहे थे? ये मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कर रहा था, निभा रहा था। ये आपकी और मेरी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास के लोग भी सेफ रहें, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस आ रहा है ये अकेला हमको नहीं सबको अफेक्ट करेगा, और खासकर आप और मैं तो मास्क और सैनिटाइजर खरीद सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं है, ये वो लोग मास्क और सैनिटाइजर कैसे खरीदेंगे? तो इन सब के लिए मैंने 5000 मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि हमारे साथ साथ हमारी सोसाइटी भी सेफ रहे। तो ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बुरे वक्त में, जब इंडिया में इतने और पूरे देश वर्ल्ड में इस टाइप के जो अफेक्ट हो रहा है सबका सब पे, तो उसमें हम सब साथ में खड़े होके और अपने सरकार का साथ दें और प्रॉपरली सबको समझाएं कि कैसे मास्क पहनना है और कैसे सैनिटाइज करना है अपने आप को, बिकॉज गरीब लोग तो खरीद नहीं सकते मास्क और सैनिटाइजर। तो मैं अपने तरफ से उनको ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ ताकि वो लोग भी सेफ रहें, बिकॉज बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सेफ हो जाए, हमने पहन लिया, हमने सैनिटाइज कर लिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, ऐसा नहीं होता। ये गलत फहमी है सबकी, बिकॉज अगर आपके आसपास के लोग इन्फेक्टेड होंगे तो ये इसका इफेक्ट आपको भी आएगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी इस तरीके का छोटी छोटी मुहिम करें, अपने आसपास के गरीब लोगों को, आपके घर में अगर कोई बाई आती है आप उसको मास्क और सैनिटाइजर दें ताकि वो अपने घर के लोगों को दे पाए और वो भी सेफ रह पाए। थैंक यू। तो जब हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गए, हमने ये सोचा कि कम से कम किसी ने तो मास्क लगाया होगा ऑलरेडी, शॉप ओनर्स ने किसी ने, पर किसी ने मास्क नहीं लगाया था। और एक सज्जन तो ऐसे भी थे कि उन्होंने ये बोला कि मुझे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकता है। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, सजग रहें, मास्क पहनें, ये बहुत ज़रूरी है।